वेलकम टू रूपा रणदेव्स स्मार्ट आर्ट। सो सबसे पहले तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी रेसिपीज़ को लाइक किया, और बाकी जिन्होंने नहीं लाइक किया या सब्सक्राइब नहीं किया वो आज ज़रूर करेंगे, क्योंकि आज बन रही है एक बहुत ही प्यारी सी रेसिपी, और ये है सबका फेवरेट स्नैक्स और कुरकुरे। मार्केट से बिल्कुल नहीं खाने, घर पे बनाइए बड़ी आसानी से घर पे पड़े हुए सिंपल से सामान के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कुरकुरे। कुरकुरे बनाने के लिए ले रहे हैं चिड़वा, और एक कटोरी चिड़वा है, इसे हमने ग्राइंड कर लेना है पोहा जिससे बनाते हैं। सो सबसे पहले इसे ग्राइंड कर, चिड़वा के ग्राइंड होने के साथ ही एक कप हमने चिड़वा लिया था, हाफ कप बेसन। बस इसकी मेजरमेंट ध्यान में रखें कि जो हमने चिड़वा लिया था वो एक कप है, और आधा कप बेसन है, आधा कप राइस फ्लावर चावल का आटा है, और इसी के साथ आधा चम्मच सफ़ेद नमक, बेकिंग पाउडर ले रहे हैं 1/4 टीस्पून। सो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है, और इसी के साथ कलरिंग के लिए थोड़ा सा हम डाल रहे हैं इसके अंदर टर्मरिक पाउडर, कोई एसेंशियल नहीं है, ये ऑप्शनल है। और पहले हमने इस सारे मटेरियल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर जाएगा हाफ कप वाटर, और ये गर्म पानी है, ना ठंडा है ना गुनगुना है, सो गर्म पानी है, हाथ बिल्कुल नहीं डालें क्योंकि पानी गर्म है, और इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसी के साथ हाफ कप वाटर और लेना है, सो आधा कप पानी डालने के साथ ही अब हमने इसे अच्छे से गूंथना है। अच्छे से गूंथने के साथ ही 1/4 कप डालेंगे कॉर्नफ्लावर या अरारोट। अब अरारोट डालकर एक बार फिर से इसे अच्छे से गूंथ लेना है। अच्छे से गूंथ जाने के साथ ही इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल या कोई भी ऑयल ले सकते हैं, और इसे एक बार अच्छे से कोटिंग कर देंगे। और बस अब आसान सा काम, इसकी छोटी छोटी लोइयाँ लेनी है और इन्हें हमने अपने मनचाहे साइज में बना लेना है। तो जिस तरह से कुरकुरे दिखाई देते हैं बस इसी तरह से सारी लोइयाँ तैयार करें। इस तरह से प्रॉपर शेप देने के बाद अब हमने इन्हें फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हम ले रहे हैं रिफाइंड ऑयल, और उसके अंदर हमने बारी बारी से डालना है, और ख्याल रहे कि ऑयल गर्म है, तेज़ गर्म है, और डालने के साथ ही हमने फ्लेम को लो पे ले आना है और इसे अच्छे से फ्राई करना है। 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, और अब हम इन्हें टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। फ्राई होने के बाद ये कुछ इस तरह से तैयार हो गए हैं, और अब हमने इसे थोड़ा सा और चटपटा करना है, और चटपटा करने के लिए डाल रहे हैं इसके अंदर रेड चिली, सो लाल मिर्ची है, और इसी के साथ है 1 चम्मच चाट मसाला। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने इस मसाले को डालना है अपने कुरकुरे के ऊपर, सो अच्छे से स्प्रेड करके अब हमने इन्हें अच्छे से कोटिंग कर देनी है। वाव, इसके साउंड से ही पता चल रहा है कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं, और तैयार हो गए हैं कुरकुरे, बहुत ही टेस्टी। तो थोड़ी सी मेहनत, छोटा सा आइडिया और घर पे पड़ा हुआ सामान, झट से तैयार हो गए एक डिफरेंट स्नैक्स। तो इस तरह के स्नैक्स बनाइए, खुद खाइए और दूसरों को खिलाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।